हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे और बेसन की टेस्टी सब्जी। देख सकते हैं यहाँ पर हम एक कटोरी ले लिए हैं बेसन और 3 अंडे लिए हैं। बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है दोस्तों। इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ थोड़ा सा प्याज, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और 3 अंडे को हम फोड़ लेंगे इसी में। देख सकते हैं अच्छे से, बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। अब देख सकते हैं इस तरीके से अच्छे से इसका हम एक बेटर बनाकर रेडी कर लेंगे। तो हमारा बेटर बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर बैठा दिए हैं हम पैन। इस पर डाल देंगे सरसों का तेल। तेल अच्छे से फैला देंगे, इसे थोड़ा गर्म होने देंगे, और बेसन और अंडे का ये बेटर अब इस पर हम डालकर फैला देंगे अच्छे से। देख सकते हैं इसे हमें पलटना नहीं है, इसको हम रोल बना लेंगे अच्छे से। देख सकते हैं इस तरीके से इसका रोल बनाकर रेडी करेंगे हम। बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों, एक बार आप लोग भी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देख सकते हैं रोल बन के रेडी हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे, इसी तरीके से हम बना लेंगे। यहाँ पर हम बैठा देंगे कढ़ाई। इसमें डाल लेंगे सरसों का तेल, एक तेज पत्ता, हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे प्याज को गोल्डन होने तक। देख सकते हैं प्याज गोल्डन हो चुका है। इसमें डाल देंगे एक कटा हुआ टमाटर, इसको भी अच्छे से भून लेंगे हम। इसमें अब हम डाल देंगे कुटा हुआ लहसुन, एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हम, ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुना आ जाए। देख सकते हैं 10 से 15 मिनट तक मसाले को भूनेंगे हम। इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों मसाला से तेल अलग हो चुका है, भुना गया है। इसमें डाल देंगे पानी, अपने ग्रेवी के अनुसार हमें कितना ग्रेवी रखना है उतना ही पानी डालेंगे। इसको ढककर रख देंगे 10 मिनट तक के लिए। अब इसे हम पीसेस में काट लेंगे, जो हमने अंडा और बेसन का रोल बनाया था इस तरीके से। देख सकते हैं बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, ऐसा रेसिपी आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं हमारा पीसेस सब कटके रेडी हो चुका है। देख सकते हैं इसमें अब उबाल आ गया है। इसमें हम डाल देंगे अंडा और बेसन का, ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है। प्लीज़ दोस्तों रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसको हम फिर से ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी टेस्टी टेस्टी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है अंडे और बेसन की। इस पर डाल देंगे हरा धनिया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और बेसन और अंडे से बनी सब्जी को एंजॉय कीजिए। देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के रेडी हुई है।